हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 55 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 55 वीडियो में एक्सरसाइज 19.14 पे है, मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से इसका समाकल ज्ञात करना है। देखिए, आपको बता रखा है मैंने पहले कि 19.14 एक्सरसाइज में यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन पे तो दिख नहीं रहा है, पहले इसको चेंज करेंगे। हम लोग कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा देखिए। इसे डी एक्स बटा में 1 प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर को 1 बटा में सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में नीचे एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा में 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स दिया है यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर एक्स यही ना होगा, ये ऊपर चला गया खाली। अब देखिए, इस सेक स्क्वायर को टेन में बदलते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा में 1 प्लस, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स, ये ना होता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा में 2 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पुट करते हैं टेन एक्स को टी, टेन एक्स को टी लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स बराबर में डी टी बटा में डी एक्स, यानी कि यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। चलिए, तो ऊपर हो जाएगा आपका डी टी और नीचे इस 2 को मैं √2 का स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ आपका टी स्क्वायर, तो यहाँ डी एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो इसका 1 बाई ए यानी 1 बाई √2 टेन इनवर्स टी बटा में √2 प्लस में सी, टी का वैल्यू यहाँ वापस रख दो, 1 बाई √2 टेन इनवर्स टेन एक्स बटा में √2 प्लस सी, इसका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख